प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों नूं गुमराह कर रहे हैं, देश नूं गुमराह कर रहे हैं और वड्डे घराणियां दी बोली बोल रहे हैं। और जदों की सारा देश सारा किसान सड़कां ते है, देश दे सारे विशेषज्ञ है, सारे खेती माहरा ने यह कहता कि यह किसान विरोधी बिल है, ते प्रधानमंत्री मोदी जी पता नहीं किहड़े शिकू चो किसानां दीआं गल्लां नूं तोल रहे हैं। और अज तक जिन्नियां चीजां भी ए लागू कीतियां, चाहे GST लागू कीती है, चाहे नोटबंदी लागू कीती है, ए सारा देश दा पट्ठा बैठा। अज कारखाने दे चिमनियां चो धुआं नहीं निकल रहा, अज इंपलाई दा बुरा हाल है, व्यापारी दा बुरा हाल है, अज मजदूर दा बुरा हाल है, देश दी अस्त व्यवस्था दी जिहड़ी गड्डी ओ पटरियों उतरी पई है। और प्रधानमंत्री जी ए नहीं देख रहे कि पूरा देश ही बर्बादी दी तरफ बढ़ रहा है, पूरा देश बर्बाद होण आ रहा है, किते कुछ किते कुछ। जिन्हू कहते है ना कि जदों दे जमे सूरज भान ना चूल्हे अग ना मंजे वान, ए जदों दी सरकार आई है देश दा पट्ठा बैठा। उनका कोई गोत्र नहीं, उनका कुशल गोत्र, जिनकी जमानतें जब तो नहीं है वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पंजाब में आपको कोई पूछता नहीं और बीजेपी का भट्ठा बैठा हुआ है, बीजेपी को कोई गांव में जाने नहीं दे रहा, शहरों के अंदर वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। आपके उम्मीदवार है कहां पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपकी जमानतें जब तो नहीं है। और अकाली दल की मुझे हैरानगी है कि वो कह रहे हमारे कागज रद्द करा दिए, आम आदमी पार्टी कह रही हमारे भी कागज रद्द करा दिए। अरे भाई, 1500 उम्मीदवार अकाली दल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, 1600 उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उनको पता है। मैंने कहा कि अगर सचमुच आप में जुरत है और आप कह रहे हो कि हमारे पहले कागज रद्द करा दिए, लेकिन जिनके कागज ठीक हुए हैं क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? ये जमानते जब होगी। आपका डर बोल रहा है, आप डरे हुए हो, बहके हुए हो और डरे हुए लोगों की जमानतें जब्त होती हैं।